माय यूट्यूब फैमिली, तो आज की वीडियो में मैं अपनी मम्मी की पाव भाजी रेसिपी शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। एक पैन में बटर डालना है। मुझे तो घर की पाव भाजी ज़्यादा पसंद है, किस किस को घर की ज़्यादा पसंद है। जब बटर गर्म हो जाए तो उसमें लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। इतने लहसुन फ्राई हो रहा है, इतने सारी सब्जियों को मैश कर लेते हैं। इसमें आलू, गाजर, शिमला मिर्च, मटर और गोभी है। इन सब्जियों को उबाल के अच्छे से मैश कर लेना है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। नमक और लाल मिर्च, और अब इसे अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। सब्जियों को अच्छे से मैश करने के बाद सारी सब्जी को इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिलाना है और थोड़ी देर पकने देना है। बस कुछ ही देर में पाव भाजी बनकर तैयार हो जाएगी। भाजी में नींबू का रस डाला, ये 3 बड़े नींबू लिए थे। क्या खुशबू आ रही है, मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो पाव भाजी बन के रेडी है, और ये रही मेरी प्लेट। तो मैं खाती हूँ अपनी पाव भाजी, आप सब भी अपने घर में ट्राई करो और खाओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।